आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा करार देने का मोदी हुकूमत का दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत की तरफ से जारी किए गए नए नक्शे गलत, गैर कानूनी और हकायक मसक करने की मजमूम कोशिश और अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। भारत कश्मीरी आवाम का हक खुद इरादियत सलब नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 51वां रोज, वादी में खुराक और अद्वियात की किल्लत, मवासलाती रबते भी बंद, कश्मीरियों का जज्बा आजादी बुलंद, भारतीय बर्बरियत पर दुनिया की आंखें बंद। अफगानिस्तान दोस्त या दुश्मन, अफगान हुकाम की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। अफगान खुफिया एजेंसी के अहलकार पाकिस्तानी सिफारतकारों की गाड़ियां रोकते और गलत जबान का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने मामला उठा दिया। एनआरओ नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान, कहते हैं ये लोग मुझसे तीन लफ्ज सुनना चाहते हैं एनआरओ। उनको एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा, एहतसाब के बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं। ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम, मौलाना की इमरान खान को दी गई डेडलाइन खत्म का आज आखिरी रोज। फजल रहमान की जेर सदारत पार्टी इजलास में अगले लाए अमल के लिए मुशावरत, मौलाना आज क्या ऐलान करेंगे सबको इंतजार। ऐवानों में भी मुशावरत का अमल तेज, मुजाकराती कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर अरकान को एतमाद में लेंगे, वफाकी काबीना का इजलास भी 5 नवंबर को बुला लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोजा दौरे पर बहावलपुर पहुंच गए, सानिहा लियाकतपुर में जख्मी होने वाले मुसाफिरों की आयादत की, वफूद से मुलाकातें और ऊद शरीफ में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, शुगर लेवल 400 तक पहुंच गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल और गुर्दों का मर्ज, प्लेटलेट्स की तादाद भी 50,000 से कम है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सर्विसेज हॉस्पिटल आमद, भाई की आयादत की।